राजधानी लखनऊ में ऑटो और ई रिक्शा चालकों द्वारा नववर्ष के प्रथम दिन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया। बता दें कि राजधानी लखनऊ की आलमबाग में तमाम वाहन चालकों के द्वारा ऑटो और ई रिक्शा वाहनों को रोका गया और उनकी सवारी को उतारते हुए नजर आए हैं प्रशासनिक अधिकारी। वहीं इस हड़ताल को लेकर चालकों का कहना है कि अगर कोई हादसा चालक द्वारा होगा तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना चालकों को देना होगा। इसको सरकार खत्म करे। कहेंगे हड़ताल पे जा रहे हो आप लोग? जी हाँ। क्या है, क्या दिक्कत हो गई? मतलब दिक्कत यही है, 10 साल का जुर्माना और 10 लाख रुपए जो है, मतलब ये कहाँ से हम देंगे? मतलब ड्राइवर भाई, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग चाहते हो? मतलब जो मतलब सिस्टम था वही से होना चाहिए, इसको खंडित किया जाए। बात हुई आप लोगों की? नहीं, नहीं अधिकारी कोई बात करना नहीं चाहता भाई। जी सर, हम लोग इसलिए हड़ताल पे जा रहे हैं, जो सरकार ने इन नियम लागू किया है हम लोगों के लिए बहुत घातक है सर। किस तरह की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हम लोगों को दिक्कतें हो रही है सर, अगर गाड़ी हम लोगों से एक्सीडेंट हो जाती है तो सर हम लोग कहाँ से 10 लाख रुपए भरेंगे? अगर हम जेल चले जाते हैं तो हमारे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा सर? नहीं तो हम कोई अधिकारी से बात करेंगे।